के आज के वीडियो का ये बहुत ही शानदार सवाल है। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके का सवाल आ सकता है और हर साल इस तरीके का एक दो सवाल आता ही है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, ताकि आप भी समझें और आप किसी और को भी बता सकें इसके बारे में। ठीक है बेटा, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये सब काम आप करते रहिए और हम चलते हैं सवाल की तरफ। इसका मान 5 दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखो यार, जो चीज़ यहाँ लिखा है उसी का उल्टा यहाँ लिखा है। मतलब अगर ये x है तो ये क्या है, यह 1/x है। मतलब क्या, p बटे q और q/p, बात समझ रहे हो ना। तो अगर तुम इसको x मानो तो ये हो जाएगा 1/x। अगर ये वाला क्या है आपका x है, तो ये 1/x रहता है ना हमेशा, किसी के बटे में नीचे 1 रहता है, इसको जब उल्टा करोगे तो 1/x = 5। तो ये भी क्या हुआ, x³ - 1 क्या हुआ, ये उल्टा x³। इसका मान ऐसे पूछ रहा, समझो सवाल, समझो ये x तो ये हुआ 1/x, तो ये हुआ x³ - 1/x³। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आपको समझ के हल करना है। तो x + 1/x = 5, तो x - 1/x = क्या हो जाएगा, मैंने आपको ट्रिक बताया करड़ी में, इसका स्क्वायर -4, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4। ज़रा मैं कंफर्म कर लेता हूँ, माइनस में है ट्रिक कि प्लस में है। तो 5 का स्क्वायर 25 में से 4 घट जाएगा 21, तो x - 1/x = क्या हो गया करड़ी में 21। और मान याद करना इसका, तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब जब आपको x - 1/x² पता चल गया, तो a³ - b³ वो वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाना, हमको ट्रिक लगाना। कौन सी ट्रिक, ध्यान से देखो, इसकी ट्रिक है a³ - 3, है ये वाली ट्रिक है। तो a का मान कितना हुआ, करड़ी में 21 का क्यूब करेंगे, -3 × 21। ठीक है, तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो करड़ी में 21 × 21 × 21 तीन बार, तो ये क्या आएगा, एक बार तो स्क्वायर करने में करड़ी हट जाएगी, मतलब सीधे आएगा 21 × 21, ऐसे आएगा। इसका क्यूब करोगे तो आएगा 21 × 21 -3 × 21, 21 में से 3 घट जाएगा 18 × 21, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये रहा। ना समझ में आए तो बोलना कमेंट करके, मैं आगे से और भी ज़्यादा आसान तरीके से बताऊंगा। लेकिन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखा जाता है, कम से कम लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में कैलकुलेशन करना, ये एक अच्छी आदत रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लिखित नहीं देना है। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम होगी तो मैं आगे से थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये जो सवाल आपके सामने है, इसका मान क्या आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे, अभी आप बच्चे हो, अभी आप हाई स्कूल पास किए हो, इंटर पास किए हो या 11 में हो। ठीक है, तो अभी आप इन सारी चीज़ों को सीखिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरी पुरानी ट्रिक इसमें काम आने वाली है। देखो, हम सबसे पहले इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, a - 1/a +3 को इधर -3 कर दिए, 2 को ज़रा इधर कर दो, तो a - 1/a = -3/2, ये 2 आ जाएगा इधर। ठीक, अब ज़रा केवल इसका मान निकाल लो मेरे भाई, जब ऐसा दिया हो तो 1³ - 1/a³ का मान कैसे आता है, क्या ट्रिक है, 1³ - 3 है, क्लियर है। तो 1³ - 3 है, मतलब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये है -3/2, इसका करेंगे क्यूब, -3 × -3/2, -3/2 का क्यूब आ जाएगा 27/8, माइनस में -×+ 9/2, लघुत्तम लेके हल कर दो, 8 हुआ, -27 हुआ, 2 × 8 = 4, 9 = 36 हुआ। ठीक है, 2 × 8 = 4, 9 = 36,
छत्तीस में 27 जाएगा कितना आएगा 9/8, 9/8 आ गया। इसका मान निकालना था, तो ये जितने को मैंने घेरा है इसका मान क्या है, देखो इसका मान ये यहाँ पर 9/8, तो 9/8 प्लस 2, तो 8 × 16 = 25 होता है ना, हाँ 25/8 आ गया इसका आंसर। देखिए जब आप ये ट्रिक सीखे रहोगे ये वाली, तभी जा कर के बड़े से बड़ा सवाल समझ पाओगे और उसको कर पाओगे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, कमेंट करके बताओ आज का सवाल कैसा लगा, आज का सवाल कैसा लगा, स्पेशली ये सवाल कैसा लगा ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे आपके कमेंट को। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए मैथ मंडी और एम सॉल्यूशन।